This program is possible by the support and prayers of partners and well-wishers of Jesus Redeems Ministries. आज आपके मन में पाप है जो आपके अंतरात्मा को कोसता है, शांति नहीं है, समाधान नहीं है। आपके किए पाप आपको दुख पहुंचा रहे हैं। आपको क्षमा चाहिए, आप इन पापों को छोड़ नहीं पा रहे हैं। आपको एक छुटकारा चाहिए, इसीलिए उन्होंने क्रूस पर मृत्यु से मेल मिलाप किया। हमारे परिहारी ईशु, पापों के परिहारी ईशु, उनके पास जाने से मुफ्त में पापों से क्षमा और ये करने का अधिकार पाने वाला एक ही है। मनुष्य के पाप अपने ऊपर लेकर क्रूस पर लहू बहाने वाले यीशु ही केवल ये कर सकते हैं। यीशु छुड़ाता है सेवकाई। देश के हित में दरार में प्रार्थना करने वाली परमेश्वर के द्वारा बनाई सेवकाई है। सन 1980 के साल में परमेश्वर के द्वारा जो दरार की प्रार्थना की शुरुआत हुई, वो आज तक बिना रुकावट के चल रही है। हर महीने आखिरी शनिवार के दिन ये जो प्रार्थना होती है, उसमें करीब 40,000 लोग देश के लिए प्रार्थना करते आ रहे हैं। अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए जब निवेदन किया, तो यीशु ने उसकी परिस्थिति को बदल दिया। पवित्र शास्त्र के वचन अनुसार देश के लिए प्रार्थना करने आने वाले प्रभु जनों के जीवन में आज भी प्रभु यीशु मसीह अद्भुत चमत्कार करते आ रहे हैं। पिछली दरार की प्रार्थना में भाई मोहन सी लाजरस ने जो सुसमाचार का प्रचार किया, वो आपके समक्ष है। पवित्र यूहन्ना रचित सुसमाचार 19वां अध्याय, उसका 17 और 18वां वचन। तब वह यीशु को ले गए और वह अपना क्रूस उठाए हुए उस स्थान तक बाहर गया जो खोपड़ी का स्थान कहलाता है और इब्रानी में गुलगुता। वहां उन्होंने उसे और उसके साथ और दो मनुष्यों को क्रूस पर चढ़ाया, एक को इधर और एक को उधर, और बीच में यीशु को। यीशु अपना क्रूस उठाए हुए गुलगुता कहलाने वाले खोपड़ी का स्थान जो था वहां तक गए, वहां पर उन्हें क्रूस पर चढ़ाया। यीशु की क्रूस पर मृत्यु। यीशु के हाथों और पैरों में कीले ठोकी गईं और लहू बहाकर क्रूस पर उनकी मृत्यु हुई। ये बात हम में से हर कोई जानता है। तब रोमन सरकार का राज था। यीशु के दिनों में संसार के कई देशों में रोमन राज किया करते थे और वो सरकार जघन्य अपराध करने वालों को और सरकार के विरोध में कार्य करने वालों को बहुत ही भयानक दंड दिया करते थे, और वो दंड होता था क्रूस पर मृत्यु। जब किसी मनुष्य को क्रूस पर चढ़ा दिया जाता, तो उस पर अपने मन अनुसार घाव पहुंचाकर अत्याचार करते और उनके विरोध में कोई बोल नहीं सकता था। जिस क्रूस पर उसे लटकाया जाता था, वो क्रूस उसी के कंधों पर लाद कर गली मोहल्लों से घुमाते हुए ले जाते। देखने वाले लोगों के बीच उसे अपमानित किया जाता, ताकि हर कोई उन्हें देखकर उनका अपमान करे, दुख पहुंचाए और उनका मजाक उड़ता था। जहां से लोगों का आना जाना रहता, नगर से थोड़ी दूरी पर गुलगुत्ता जगह पर खोपड़ी का स्थान जो कहलाता है यरूशलम में, वहां क्रूस पर लटका दिया जाता और उसका किया अपराध क्रूस पर लिख दिया जाता। वहां से आने जाने वाले लोग उनका मजाक उड़ाकर उन्हें अपमानित किया करते। एक तरफ इस बात से दुख पहुंचता, दूसरी तरफ हाथ पैरों में कीले ठुकवा कर ताकि उन घावों में से लहू बहता रहे और मृत्यु का अनुभव करते हुए वो अपना प्राण त्यागे। इस प्रकार की भयानक मृत्यु ही क्रूस पर मृत्यु कहते हैं। लेकिन यीशु ने इस प्रकार के मृत्यु को क्यों स्वीकारा? वो इसी प्रकार लहू बहाकर अत्याचार सहकर मरेंगे, ऐसी घटना होगी। इस विषय में 600 साल पहले ही यशाया नाम के भविष्यद्वक्ता द्वारा उसके 53वें अध्याय में साफ साफ वर्णन किया गया है। परमेश्वर मनुष्य के रूप में आकर इस प्रकार अत्याचार सहकर लहू बहाकर मरकर पुनः जीवित होगा, और यही मनुष्यों के लिए उद्धार व आशीष पाने का कार्य है। ऐसा पवित्र शास्त्र में सैकड़ों साल पहले
भविष्यद्वक्ताओं ने अपनी भविष्यवाणी में बताया है और उसी की यहाँ पूर्ति होती है। हम देखते हैं आकाश व पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर को क्यों ऐसी भयानक मृत्यु को स्वीकारना पड़ गया, क्यों उन्हें क्रूस पर लटकना पड़ा, जबकि यीशु को कोई भी क्रूस पर लटका नहीं सकता। वो समुद्र पर चल सकते हैं, हवा और समुद्र को वश में करने वाले, मरने वाले को पुनः जीवित करने वाले, तो उन्हें क्रूस पर कौन लटका सकता है। लेकिन यीशु ने स्वयं क्रूस पर मरने के लिए स्वीकारा। गलातियों पहला अध्याय उसका चौथा वचन, इफिसियों पांचवा अध्याय दूसरा वचन, तीतुस दूसरे अध्याय का चौदहवा वचन कहता है, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया। मुझे क्रूस पर लहू बहाकर मरने दो, मुझे अत्याचार सहने दो, मेरा लहू बहने दो बोलकर उन्होंने अपने आप को दे दिया। उनके प्राण कोई नहीं ले सकता है। यूहन्ना दसवें अध्याय के अठारहवें वचन में यीशु ने कहा, अपना जीवन देने का मुझे अधिकार है और उसे फिर से ले लेने का भी अधिकार है। उसी के अनुसार उन्होंने अपना जीवन दिया और तीसरे दिन मृत्यु पर जय पाकर पुनः जीवित हुए। अपना जीवन उन्होंने फिर से ले लिया और आज भी वो जीवित हैं। ये सारी बातें उन्होंने बाइबल में कही हैं। उन्हें हमारे लिए क्रूस पर स्वयं को देने की आवश्यकता क्यों? आपके लिए। गलातियों 1:4 कहता है, हमारे लिए, मन की शांति के लिए, आप में से हर एक के लिए। मेरे लिए यीशु ने क्रूस पर मरने के लिए अत्याचारों से मेल मिलाप किया। मेरी ये बात सुनने वाले भाइयों, आप मसीही हो सकते हैं या गैर मसीही हो सकते हैं। हो सकता है आपको ईश्वर पर विश्वास ना हो, नास्तिक हो, लेकिन आपके लिए भी यीशु ने क्रूस पर मरने के लिए मेल मिलाप किया। आपके लिए उन्होंने क्रूस को ढोया, आपके लिए उन्होंने क्रूस पर लहू बहाया। मेरे लिए उन्हें मरने की क्या आवश्यकता? आज इसी विषय पर पवित्र शास्त्र में से कुछ बातों को हम देखने वाले हैं। पहला पत्रस दूसरा अध्याय उसका 24वां वचन, वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, उसके लिए यीशु मसीह हमारे पापों के लिए उन्हें अपनी देह पर लेकर क्रूस पर चढ़ गए। सबसे पहले बाइबल में सुंदरता से एक बात कही है, हमारे पापों के लिए उस क्रूस को अपनी देह पर यीशु ने ले लिया। आज मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या क्या है? देखा जाए तो हर एक के लिए पारिवारिक समस्या, आपके ऑफिस की समस्या, बिजनेस की समस्या, पैसों की समस्या, ऐसी कोई ना कोई समस्या, आज यही सबसे बड़ी समस्याएं हैं और मनुष्य बाहर नहीं बताते हैं। लेकिन मनुष्य की सबसे बड़ी एक और समस्या है, वो क्या है पता है? पाप। पाप ही आज मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है। मन की शांति छिनने की सबसे बड़ी समस्या है पाप। किसी भी मनुष्य की व्यक्तिगत सबसे बड़ी समस्या है पाप, और वही सारी समस्याओं की जड़ होती है। पाप किसी भी मनुष्य की शांति छीन लेता है। यशाया 48वां अध्याय उसके 22वें वचन में हम पढ़ते हैं, पाप आपकी अंतरात्मा को इतनी चोट पहुंचाते हैं, आपकी शांति छीन लेते हैं, आपके परिवार की शांति छीन लेते हैं। भजन संहिता 51 के तीसरे वचन में एक भक्त कहता है, मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है और वो मुझे चोट पहुंचाता रहता है। भजन संहिता 38 का चौथा वचन कहता है, मेरे अधर्म के कामों से मेरा सिर डूब गया, क्यों मेरे मन में शांति नहीं, क्यों मेरे लिए कोई समाधान नहीं, क्यों हमेशा सिर भारी भारी रहता है। पाप का जो भार है वो उसे दबाए रखता है, क्योंकि पाप ही सारी समस्याओं का मुख्य कारण होता है। लेकिन मनुष्य ये बात बाहर बताता नहीं है, लेकिन अपने आप में वो ये बात जानता है कि इसका यही कारण है, इसकी वजह से ये है, वो ये जानता है। पाप मनुष्य के जीवन की शांति छीन कर, उसकी अंतरात्मा को चोट पहुंचाकर, उसकी शांति भंग करके, शरीर में बीमारियां लाकर, वेदना लाकर, उसे शापित बनाकर मनुष्य का जीवन ही नष्ट कर देता है। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है उसके पाप। इसीलिए तो आज देखिए, कहां जाने पर मेरे पाप क्षमा होंगे, पापों से क्षमा के लिए क्या करें, पापों का परिहार क्या है। मनुष्य यहाँ वहाँ जाकर खोजता है और उसके लिए पैसे भी खर्च करता है
उसके लिए लंबी दूरी की यात्रा करता है, उसके लिए अपने शरीर को वेदना पहुंचाता है। किसी न किसी विश्वास से, किसी न किसी पर विश्वास रखकर कि इन पापों से छुटकारा मिल जाए, मन को शांति मिल जाए, ऐसी एक आशा से मनुष्यों को खोज कर जाते हैं। स्वयं को ईश्वर बताने वाले मनुष्यों के पास जाकर इनके द्वारा पापों से क्षमा मिल जाएगी ऐसा सोचते हैं। तो आज मनुष्य अपने पापों से क्षमा पाने के लिए छटपटा रहा है, क्योंकि उसके मन में शांति नहीं है। पापी जीवन व्यतीत करने वाले मनुष्य के मन में शांति नहीं रहेगी, क्योंकि वो उसकी शांति छीन लेता है। ये बाइबल के वचन कहते हैं, पाप ही मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है। एक या तो पाप क्षमा हो, या दूसरा पापों से छुटकारा मिल जाए। पाप छोड़ नहीं पा रहे हैं, गलत है जानते हैं, पर छोड़ नहीं पा रहे हैं। आदत पड़ गई, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, अब उसे छोड़ नहीं पा रहे हैं। ये पाप ही सारी समस्याओं की जड़ है, ये जानते हुए भी उससे वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आज यही मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है। इस समस्या का समाधान करने वाले केवल एक ही है, यीशु मसीह। क्योंकि मनुष्यों के पापों को क्षमा करने के लिए और पाप की शक्ति से छुटकारा दिलाने के लिए अधिकार प्राप्त सामर्थ्यशाली यीशु ही है। इसका कारण क्या है पता है? मनुष्य के पापों के लिए उन्होंने क्रूस पर स्वयं की बलि चढ़ाई, अपना लहू बहाकर पापों का परिहारी बनने वाले केवल यीशु मसीह है। केवल वही क्षमा कर सकते हैं और वही छुटकारा दिला सकते हैं। एक बार चेन्नई में एक नौजवान युवक से मैं मिला, उसमें सब बुरी आदतें थी, शराब पीना। मैं जब उससे मिला तब भी वो नशे में था। क्या हुआ ब्रदर, इस तरह क्यों पीते हो? तुम्हारे परिवार में सब लोग अच्छे से रहते हैं, केवल तुम नशे में रहते हो, शराब क्यों पीते हो? केवल शराब ही नहीं, नशीले पदार्थों का भी सेवन करता हूँ। इतना ही नहीं, जब उसका नशा हल्का हुआ तो उसने बैठकर बताया कि शर्म से उसकी अंतरात्मा कोस रही है। जानबूझ के पीना शुरू नहीं किया? कॉलेज में दोस्तों के साथ मजाक मजाक में पीना शुरू किया। हफ्ते में एक दिन पीते थे, फिर दो दिन पीने लगे। इस तरह धीरे धीरे रोजाना पीने लगे। ऐसे पी पी कर मैंने सोचा 3 साल तक कॉलेज में मस्ती से पियेंगे, जवानी में इन सब का मजा लेना चाहिए, पढ़ाई पूरी करके जब नौकरी करेंगे तो ये सब कुछ छोड़ देंगे और शादी करके परिवार बीवी बच्चे एक सुखी परिवार की तरह सेटल हो जाएंगे, मैंने सोचा। लेकिन ये मैं अब छोड़ नहीं पा रहा हूँ। छोड़ना चाहता हूँ मगर छोड़ नहीं पा रहा हूँ। इसके साथ साथ नशीले पदार्थों का भी सेवन करने लगा। उसने बताया कि सिगरेट में भी नशा भर के पी के देखा, पर उससे नशा नहीं हुआ, इसलिए उसे मसल कर मुंह में डालकर उससे नशा लेने लगा। इस तरह से इन आदतों ने मुझे दास बना लिया। इनके बिना मेरी हालत पागलों जैसी हो जाती है। मैंने जानबूझ के नहीं किया। क्या इनसे मुझे छुटकारा मिल पाएगा? सोचता हूँ, पर मुझे कौन छुटकारा दिलाएगा? इतने सालों तक इन पापों का गुलाम बन के रहा, इसलिए मुझे कोई नौकरी नहीं मिली, मेरी शादी नहीं हुई, मेरी उम्र निकल गई, मेरे परिवार में सब अच्छे हैं, केवल मैं ही एक दुष्ट का जीवन जी रहा हूँ। उसे ईश्वर पर विश्वास नहीं है, एक तरह से नास्तिक है, ईश्वर के नाम पर बहस करने लगता। लेकिन अब जब अपने जीवन में असफल हुआ तो उसकी दुखी अवस्था में मैंने कहा कि सच में ये जो पाप है, इन पापों से तुम छुटकारा पाना चाहते हो? सच में क्या तुम इन पापों से छुटकारा पाकर एक पवित्र जीवन व्यतीत करना चाहते हो? ये शराब की लत, नशीले पदार्थ, इनसे छुटकारा पाना चाहते हो? मैंने पूछा। मुझे सच में छुटकारा चाहिए, मेरी हालत बहुत खराब हो गई है, मेरी शांति छिन गई, मैं सो नहीं पाता हूँ, चैन से रह नहीं पाता हूँ, और समाज में कहीं भी जाना चाहूँ तो सर उठा के जा नहीं पाता हूँ। मेरा ये जीवन ही नष्ट हो गया है, मुझे एक नया जीवन चाहिए, सच में मुझे छुटकारा चाहिए। उसने कहा, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें एक रास्ता बताता हूँ। क्या करना होगा? यीशु वही तुम्हारे पाप क्षमा कर सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे पाप वो क्रूस पर ढो चुके हैं, वही तुम्हें इन पापों से छुटकारा दिला सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा? मुझे किसी सभा में जाना होगा? मैंने कहा, नहीं, अपने घर में ही घुटनों पर बैठ कर यीशु से बात करो। हे यीशु, अभी मुझसे कहा ना कि मैंने पाप किए, मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। इसी तरह से बोलो कि यीशु, मैंने पाप किए हैं, पाप का दास बन गया हूँ, मजाक मजाक में शुरू किया, अब छोड़ नहीं पा रहा हूँ, मेरी सहायता करो, मेरे पाप क्षमा करो। ऐसा कहें, यही प्रार्थना है। तुमने जो कुछ मुझसे कहा वही यीशु से बताओ, बस इतना ही। घर में ही प्रार्थना कर सकते हैं, यीशु के उस प्रार्थना को सुनेंगे, चर्च जाने की जरूरत नहीं है। नहीं, घर में ही प्रार्थना करो, आज रात में ही प्रार्थना करो, अकेले शांत मन के साथ प्रभु से बात करो। ठीक है, बोलकर वो युवक वहां से लौट गया और अगले दिन मुझसे मिलने के लिए आया। मैं जहां था वहां आ गया, चेहरे पर एक बड़ा बदलाव, एक प्रसन्नता। उसने कहा कि रात को एक बात हुई
मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है, मुझे बहुत खुशी भी हो रही है, और वो बताने के लिए ही मैं भागता हुआ आया। ऐसा क्या हुआ रात में? मैं घर में सबके सोने का इंतजार कर रहा था ताकि मुझे प्रार्थना करते हुए कोई देखे नहीं। मैं ईश्वर नहीं ऐसा बोलने वाला नास्तिक, और मैं ही घुटनों पर बैठ के प्रार्थना करूंगा तो घर वाले क्या सोचेंगे। इसलिए सबके सोने के बाद मैं अपने कमरे में चारपाई के पास ही घुटनों पर बैठकर जैसा आपने कहा वैसे ही ईशु ऐसा बोल के बात करनी शुरू की। इस तरह से मुझसे पाप हो रहे हैं, मेरा मन शांत नहीं है, मैं पीता हूँ, नशीले पदार्थ लेता हूँ, मेरे जीवन में सुख शांति नहीं है, मेरे कारण मेरा परिवार परेशान हो रखा है, मेरे माँ बाप का अपमान होता है, मैंने सबको दुखी बना दिया। इस तरह से मुझसे पाप हो रहे हैं, मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ, छोड़ना चाहता हूँ, छोड़ नहीं पा रहा हूँ, अगर तुमसे हो सके तो मेरी सहायता करो, ऐसा बोल के बात शुरू की। इसी तरह से जब 5 मिनट तक प्रार्थना करता रहा तो उसने कहा कि परमेश्वर की उपस्थिति प्रकट हुई। यीशु का नाम बोलकर जैसे ही पुकारा तो घर में परमेश्वर की उपस्थिति उतर कर आई। परमेश्वर का सामर्थ्य जैसे ही उतरा तो पापों का एहसास मुझे अपनी ओर खींचने लगा। मैं छोटे बच्चे की तरह रोने लगा, ओहो मैं कितना बड़ा पापी हूँ। परमेश्वर की उपस्थिति हमें पाप का एहसास दिलाती है, और पाप का एहसास होते ही मन फिराने के लिए मन बदलता है। वो आंसुओं के साथ रोने लगा, हे यीशु मैं कितना बड़ा पापी हूँ। ऐसा बोल के उसने कहा कि मैंने अजीब सी एक प्रार्थना की। कैसी प्रार्थना की मैंने पूछा। मैंने इतने बड़े पाप किए हैं, इन पापों का दंड भी तो होगा। मैंने कितने बड़े बड़े पाप किए हैं, मेरे द्वारा कितने लोगों का जीवन नष्ट हुआ है, इसलिए मैंने जो पाप किए हैं उसके लिए मुझे कुष्ठ रोग लग जाए, मेरे किए पापों के लिए मुझे कैंसर हो जाए, मैंने जो पाप किए हैं उसका मुझे दंड दो, ऐसे प्रार्थना की। हाँ मैंने ऐसे ही प्रार्थना की, क्योंकि वो पाप मेरी अंतरात्मा को कोस रहे थे, इसलिए ऐसे रोकर प्रार्थना की। ठीक है तो उसके बाद क्या हुआ? जब मैं ऐसे आंसू बहा बहा कर रो रहा था तो अचानक एक बहुत बड़ा प्रकाश और यीशु ने मुझसे बात की। यीशु ने बात की, उसने कहा जब मनुष्य पापों से अपना मन फिराता है तो प्रभु की उपस्थिति आती है। उन्होंने क्या कहा मैंने पूछा। उन्होंने मुझे देखकर कहा कि पुत्र तेरे पापों का दंड मैं क्रूस पर ढो चुका हूँ, तेरे लिए ही मैंने कोड़े खाए, तेरे लिए ही मैंने लहू बहाया, तेरे लिए मैंने अपमान सहे, तेरे पापों के सारे दंड मैं क्रूस पर ढो चुका हूँ, मैं तेरे लिए मरा, अब तुझे दंड सहने की आवश्यकता नहीं, मैं तुझे क्षमा करता हूँ, क्योंकि तेरे दंड मैंने सहे हैं, इसलिए तेरे पापों के सारे दंड मैंने ढोए, इसलिए मैं तुझे क्षमा करता हूँ, अब से पाप मत करना। इस प्रकार की बातें कहीं और तुरंत ही मेरे मन का सारा भार निकल गया, पाप के कारण जो वेदना थी वो वेदना निकल गई। मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए सुबह सुबह उठकर नहा धोकर आपसे मिलना चाहता था, इसीलिए सीधे आपसे मिलने चला आया। उस युवक का चेहरा खिला हुआ था, एक ही रात के अंदर उसकी लाइफ पूरी तरह से बदल गई। उसके बाद उसने शराब को कभी नहीं छुआ, ना ही नशीले पदार्थों को कभी छुआ। उसके बाद उसका जीवन एक नए जीवन में बदल गया। इसी के लिए यीशु आए, इसीलिए यीशु ने क्रूस पर मृत्यु को स्वीकारा। यीशु धर्म की स्थापना के लिए नहीं आए, ना ही यीशु ने धर्म के विषय में बोला, यीशु ने धर्म के विस्तार के लिए कुछ नहीं कहा, यीशु ने ना ही किसी को धर्म परिवर्तन के लिए बुलाया, क्योंकि वो सर्व धर्मों से अपार हैं, मनुष्य को वो बदल देते हैं, वो पाप से छुटकारा दिलाते हैं, पापों को क्षमा करके शांति देते हैं, हर एक मनुष्य को आज वो चाहिए। इसीलिए स्वयं परमेश्वर आकर हर एक के लिए क्रूस पर लहू बहाकर वो मरे। आज आपके मन में पाप है जो आपके अंतरात्मा को कोसता है, शांति नहीं है, समाधान नहीं है, आपके किए पाप आपको दुख पहुंचा रहे हैं, आपको क्षमा चाहिए, आप इन पापों को छोड़ नहीं पा रहे हैं, आपको एक छुटकारा चाहिए। इसीलिए उन्होंने क्रूस पर मृत्यु से मेल मिलाप किया। हमारे परिहारी यीशु, पापों के परिहारी यीशु, उनके पास जाने से मुफ्त में पापों से क्षमा, मुफ्त में पापों से छुटकारा। पैसे देकर पापों से क्षमा नहीं पा सकते हैं, पैसे देकर सुख शांति नहीं पा सकते हैं, कितने ही करोड़ खर्चा करके पश्चाताप क्यों ना करें, आपके पाप कोई क्षमा नहीं कर सकता है। मुफ्त में पापों से क्षमा, और ये करने का अधिकार पाने वाला एक ही है, मनुष्य के पाप अपने ऊपर लेकर क्रूस पर लहू बहाने वाले यीशु ही केवल ये कर सकते हैं। आप यीशु के पास आकर हे यीशु मेरे पाप क्षमा करो, कहें मुझे छुटकारा दिलाओ,
चमत्कार होगा, आज ही यहीं पर आपको छुटकारा मिलेगा। अभी तक जो पाप आपका पीछा कर रहे हैं उनसे प्रभु आपको छुटकारा दिला देंगे। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु आपसे प्रेम रखते हैं, इसलिए वो आपसे बात कर रहे हैं, है ना? वो आप पर कितना प्रेम रखते हैं, इसीलिए तो क्रूस पर आपके लिए उन्होंने स्वयं की बलि चढ़ाई। वो क्रूस पर हमारे सारे पापों को ढो चुके, क्यों पता है? हमारे पापों को क्षमा करने के लिए, पापों से छुटकारा दिलाने के लिए वो क्रूस पर पापी बने। पापों की समस्या से आप दुखी हैं, पाप का बोझ दबा रहा है, पाप अंतरात्मा को कोस रहा है, पाप न छोड़ पाने के लिए निराश हैं, निराश ना होएं। यीशु मसीह के लहू से अवश्य आपको छुटकारा मिलेगा, पापों से क्षमा मिलेगी। इस विश्वास से प्रार्थना करना काफी है। मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे, मेरा हृदय यीशु के लहू से शुद्ध हो जाए, सारे पाप दूर होकर एक पवित्र हृदय मुझे चाहिए। जो भी चाहता है कि इन पापों से छुटकारा मिल जाए, वो अपना दाहिना हाथ हृदय पर रखें। ऐसे हाथ रखकर आंखें मूंदे हम मिलकर प्रार्थना करें। परमपिता, इन वचनों को सुनकर मेरे साथ प्रार्थना करने वाले इस बेटे के लिए, बेटी के लिए प्रार्थना करता हूँ, इस माँ के लिए, पिता के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। पिता, हे यीशु, मेरे पाप क्षमा करो, अंतरात्मा का कोस ना दूर करो, ये पापों का जो बोझ है इसे मन से उतार दो। ओहो, इन पापों से होने वाले ये दुख दर्द मुझसे दूर कर दो, पापों से मुझे छुटकारा दिलाओ। हे यीशु, अपने लहू से मेरे हृदय को शुद्ध कर दो, ऐसा बोलकर प्रार्थना करने वाले इन बच्चों को देखो पिता। सच में अपने पापों का आभास करके मन फिराने वाले इन बच्चों के हृदय में उतरो। यीशु मसीह का लहू समस्त पापों को धोकर शुद्ध करता है, तुम्हारे इस वचन अनुसार तुम्हारे लहू का सामर्थ्य इनके हृदय में उतर कर आए। इनके हृदय के पापों को धोकर उसे शुद्ध बना दो, उन पापों की आदतें, दुष्ट क्रियाएं यीशु के लहू के सामर्थ्य से नष्ट हो जाएं, इनके पाप इनकी अंतरात्मा से बाहर निकल जाएं और हृदय में सचमुच की संतुष्टि और प्रसन्नता छा जाए, उसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। परम पिता, मैं ये पाप नहीं छोड़ पा रहा हूँ, मेरे प्रयास करने पर भी मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ, ऐसा कहने वाले बच्चों को देखो। यीशु मसीह का लहू समस्त पाप और दुष्ट क्रियाओं से छुटकारा दिलाता है, हमें विश्वास है। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे, इस वचन पर हमें विश्वास है। इसी समय तुम्हारे लहू का सामर्थ्य इन पर उतरे, ये पाप की शक्ति पूरी तरह से नष्ट हो जाए, पापों के बंधन टूट जाएं, पाप लाने वाली दुष्ट आत्माएं, मधुपान की आत्मा, व्यभिचार और ईर्ष्यालु आत्माएं, पैसों की लालची आत्मा, घमंड और द्वेष की आत्माएं, जिस किसी भी पाप ने आप पर घात किया हो, यीशु मसीह के नाम से मैं उन आत्माओं को फटकारता हूँ। इसी समय इन्हें आत्माओं से छुटकारा मिल जाए और सचमुच की संतुष्टि प्रसन्नता प्राप्त हो। परमपिता, इनके सारे पाप क्षमा करके तुम बीमारियों को चंगा करोगे, ऐसा तुमने कहा है। इसी समय इनके शरीर को छुओ, इनके शरीर की सारी बीमारियां यीशु मसीह के नाम से लुप्त हो जाएं, दुर्बलताएं, दुख दर्द सब दूर हो जाए, नासूर मृत्यु की बीमारी, कैंसर की बीमारी लुप्त हो जाए, आस्थमा की बीमारी दूर हो जाए यीशु के नाम से। क्षतिग्रस्त शरीर के अंगों में चंगाई देने वाला सामर्थ्य उतरे, इन्हें चंगाई मिले, इनके दुख दूर हो, आवश्यकताओं की पूर्ति हो, नए मार्ग खोलो, चमत्कार करके आशीष प्रदान करो। प्रभु, इन्हें आशीष देने के लिए स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। हमने पा लिया, हम विश्वास रखते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता, आमेन, आमेन। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु ने आपकी प्रार्थना सुनी, आपके पाप क्षमा करके आपको पापों से छुटकारा दिला दिया। अब जोर से स्तुति करें कि प्रभु, क्षमा करने के लिए स्तुति हो, अपने लहू से मुझे धोने के लिए स्तुति हो, मुझे छुटकारा दिलाने के लिए स्तुति हो। आप स्तुति कर करके अपने विश्वास को बाहर प्रकट करेंगे, परमेश्वर उसे दृढ़ बनाएंगे और आप जो आशीष पाएंगे और आप वो देख पाएंगे, आपने स्वीकारा है, उद्धार पाया है, पापों से क्षमा मिल गई, सोच के ऐसे ही मत रुक जाना। रोजाना बाइबल का ध्यान कर प्रार्थना करें, हर रोज सुबह उठते ही घुटनों पर खड़े रहकर बाइबल पढ़ें और प्रार्थना करें, वचन अनुसार जीने के लिए मेल मिलाप करें
आपकी पवित्रता में और बढ़ोतरी होगी। प्रभु और शुद्ध करके आपको चलाएंगे, मन को शांति मिलेगी, आपको लगेगा कि आप यीशु के संग हैं, प्रभु की उपस्थिति आपको अपने संग चलाएगी। आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nalu Mavadi, Tuticorin District, 628-211. Our phone number 04639-220022. info@jesusredeems.org. God bless you.